नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर। मैं आपके सामने लेके आया हूँ 45 दिन के स्ट्रेटजी, इसीलिए लेके आया हूँ कि जो सिचुएशंस आपके सामने चल रही हैं कि आपको अब क्या पढ़ना है, कैसे आप सफलता प्राप्त करोगे। तो शुरुआत करते हैं एक एक चीज का। जैसा आपके सामने UP SSSC के ET का 45 दिन का स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ, और हमेशा से आप लोगों का ये मैं आपको आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप लोग इतना पसंद करते हो, इतना विश्वास करते हो, मुझ पे विश्वास करते हो कि सर आपकी स्ट्रेटजी हमेशा सही होती है, आपकी बातें हमेशा सही होती हैं, आपके कट ऑफ प्रेडिक्शन हमेशा सही होते हैं, और आपके इसने आपके प्रेम को लेके, आपके विश्वास को लेके डबल मेहनत के साथ, टीम के साथ बहुत ज्यादा एनालिसिस करके, घंटों एनालिसिस करके बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें आपके सामने मैं हमेशा लेके आता हूं और एक बार फिर से लेके आया हूं। तो अगर हम लोग चर्चा करें UP SSSC PET की, तो एक बात जो आपके सामने मैं यहां पे पहले से लिख के रखा हूं कि थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो, ये आपके जो पॉइंट हैं आपके सिलेबस में वो हैं, और कितने मार्क्स उसमें कितने क्वेश्चन आने हैं ये भी है। अगर इस सेक्शन को देखें जहां पे मैंने आपको चार सेक्शन में चीजों को डिवाइड करने का प्रयास किया है, एक सेक्शन जो मैंने आपको डिवाइड किया है मैथ्स ग्राफ और टेबल, जो आपने बाई चार्ट और बार चार्ट देख रहे हो, टेबुलर के क्वेश्चन कर लो, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं, जहां पे मैथ्स आपका 5 क्वेश्चन आना है, आपका ग्राफ एंड टेबल 20 क्वेश्चन आना है, और जो रीजनिंग है वो 5 क्वेश्चन आपको आना है, ये समझ में आना चाहिए। टोटल कितने क्वेश्चन यहां से बनेंगे, अगर टोटल क्वेश्चन की हम लोग यहां पे चर्चा करें तो यहां पे 20 और 5 5 10 यानी कि 30 क्वेश्चन आपके अकेले यहां पे बनने वाले हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा सेक्शन है वो क्या है, करंट है और जनरल अवेयरनेस है। देखने में बेहद आसान सा लगता है, 20 क्वेश्चन अगर देखा जाए, 10 क्वेश्चन करंट का, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, टोटल 20 क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, लेकिन ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके करंट है। ये करंट जो आपका है, जो समसामयिक है, इसमें आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके सिलेबस में डिपिक्ट कर दिया गया है वही क्वेश्चन होंगे, बुक्स ऑथर्स होंगे, स्टैटिक पार्ट होंगे उसके, या फिर जो नियुक्तियां हुई हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल कूद है ना, या फिर पुरस्कार, इन सारी चीजों से यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर करंट पढ़े तो कितने महीने का कवर करें, इन सारी बात की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि ये कितना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में भैया अधीनस्थ करंट से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन करंट के रिश्तेदारों से क्वेश्चन पूछेगा, करंट के एक ऐसे रिलेटेड फैक्ट से क्वेश्चन पूछेगा जिसका संबंध कहीं ना कहीं दूर इतिहास से होगा, दूर किससे होगा, भूगोल से होगा, दूर राज व्यवस्था से होगा, और कहीं दूर के आपके अर्थव्यवस्था से होगा, या फिर अगर हम बोले इर्द गिर्द के आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनसे क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन कहां पे पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में होगा। जनरल अवेयरनेस भी करंट है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे कवर करना है। जो बच्चे कोर्स से जुड़े होंगे उन्हें बेहद आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। जो बच्चे रात के 9 बजे वाली स्टैटिक करंट वाली क्लास देखते होंगे उस पर भी मैं चर्चा करता रहता हूं कि यहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको, आप अगर नहीं जुड़े हो तो आप भी एक बार 9 वाली क्लास लेके देखो और कोर्स से जुड़ो, वहां पे आपको अंदाजा लग जाएगा। खैर उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो 20 क्वेश्चन जो आपका है वो आपका ये वाला सेक्शन कवर करता है। एक तीसरा सेक्शन ले जिसे हम पारंपरिक सामान्य अध्ययन बोलेंगे, पारंपरिक कन्वेंशनल GS बोलेंगे, जहां पे आपका इतिहास है, भूगोल है, जहां पे आपकी अर्थव्यवस्था है, जहां पे आपकी राज व्यवस्था है, और आपका क्या है, विज्ञान है। बाकी सब में तो उसने पॉइंट डिपिक्ट कर दिया है, साइंस में ओवरऑल लिख दिया है कि सामान्य बायोलॉजी की बात किया है, जनरल केमिस्ट्री की बात किया है, और जनरल फिजिक्स की बात किया है। इसकी भी चर्चा करेंगे कि यहां पे भटकना नहीं है। एक जो चौथी कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी हमने डिवाइड किया है वो हिंदी और इंग्लिश का है, और इससे भी आपके टोटल कितने हैं, 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी आप देखो यहां पे तो 30-20-30-20 का एक रेशियो लेके चल रहे हैं, और यहीं पे हम लोग स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि आखिर 30 प्रश्न यहां का है, 20 प्रश्न यहां का है, 30 प्रश्न यहां का है, 20 प्रश्न यहां का है, कितना इसमें से कर लें कि हम मेरिट की सूची में आ जाए, हमारा नाम उस सूची में दर्ज हो जाए कि हम जो मेंस की परीक्षा होने वाली है, जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसे देने में क्या रहे, एलिजिबल रहे। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए पहली बात तो मिनिमम जो अटेम्प्ट आप पूछते हो, मिनिमम अटेम्प्ट जो पूछते हो, मैं आपको बोलूंगा भैया मिनिमम अटेम्प्ट इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें अगर आपको कुछ सोचना है तो वो सोचना क्या है, मैक्सिमम अटेम्प्ट के बारे में सोचना है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट के साथ आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ सोचना है कि जो आप करके आओ उसकी भी क्या रहे, एक्यूरेसी रहे, वो आपके सही हो। ये हमारा नजरिया होना चाहिए अगले 45 दिन का, हमारे पढ़ने का तरीका, हमारा नजरिया मिनिमम अटेम्प्ट का नहीं होना चाहिए, वरना धोखा क्या कर लेंगे, खा लेंगे।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे सेक्शन की जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और एक्यूरेसी की बात की है जहां पे अटेम्प्ट आप सबसे ज्यादा करके आते हो और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वो कौन सा है? वो आपका अगर देखा जाए तो वो सेक्शन जो है वो ये है। कौन सा है? करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा आपका एक्यूरेसी गड़बड़ करेगा। तो यहां पे समझते हैं कि इसे हम करें क्या। एक बहुत कॉमन सा प्रश्न होता है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूं और यहां पे आप समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि कितने मंथ का आप करंट अफेयर्स कवर करो, ये क्वेश्चन बनता है आपका सबसे ज्यादा। तो एक बात हमें इसे समझने के लिए समझना पड़ेगा, हमारे दिमाग की परिपक्वता बढ़ानी पड़ेगी। मैं यहां पे आपको मेंशन करता हूं, आपका जो पीटी का फॉर्म भरने की डेट आई वो कितनी आई, 25 मई से आप फॉर्म भरना शुरू किए, उसके बाद वो 21 जून तक मेरे ख्याल से लास्ट डेट था, इतना यही करीब शायद मेरे पास जितना मुझे स्मरण है यही था, हो सकता है एक दो आगे पीछे हो। 28 तक उन्होंने बाद में एक्सटेंड किया था, लेकिन क्या एक्सटेंड किया था कि आप उसमें फी पेमेंट कर सकते हो, बाद में फॉर्म फिलिंग का उन्होंने क्या एक्सटेंड नहीं किया। तो 21 जून तक आपका क्या गया, 21 जून तक गया आपका फॉर्म फिलिंग के लिए, और अभी देखो तो उन्होंने 20 अगस्त क्या कर दिया है, पेपर का डेट भी डिसाइड कर दिया है। पर मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है कि आपका करंट किस मंथ से आएगा। कैसे संबंध है ये समझाता हूं। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया 25 मई को ही डिसाइड कर लिया कि 20 अगस्त को पेपर बन जाना है, 20 अगस्त को सॉरी एग्जाम हो जाना है, तो ये आप ऐसे समझो उनका यहां पे प्रेडिक्शन था कि 30 से 35 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, और 30 से 35 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो पेपर भी 30 से 35 लाख प्रिंट होंगे। केवल 30 से 35 लाख नहीं, कोई भी आयोग होता है हमेशा पेपर की 3 से 5 कॉपियां बनवाता है। 3 से 5 कॉपी बनवाने का मतलब ये कि हो सकता है कभी पेपर आउट हो जाए, हो सकता है कोई समस्या हो जाए, तो फटाक से कम समय में जो दूसरा पेपर बना तैयार है उसको प्रिंट करवाया जाए, प्रिंट पहले ही करवा लेते हैं और वो दूसरा प्रोसेस दे दिया जाए कि पेपर सुचारू तरीके से करवा लिया जाए। तो अगर उनका प्रेडिक्शन 30 से 35 लाख का था तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके दिमाग में ये था कि करोड़ों कॉपियां प्रिंट करवानी है, और करोड़ों पेपर प्रिंट करवाने का मतलब इतना आसान बात नहीं होते मेरे भाई, आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसके लिए समय चाहिए होता है ना। रोम वॉज नॉट क्रिएटेड इन अ डे, कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाती, उसके लिए समय चाहिए होता है, जिसके लिए आयोग बहुत पहले से मैच्योर था और उसने अपनी सारी प्रोसेस शुरू कर दी कि भैया जो आयोग में है वो पेपर बनाना शुरू कर दो, जो भी उनके एजेंसियां होंगी उन्हें बात पहले से चल रही होगी कि पेपर बनाना शुरू कर दो। और अगर 20 अगस्त को आपको पेपर होना है, पेपर ऑफलाइन मोड में होना है, तो याद रखना पेपर कम से कम नहीं तो 20 दिन पहले क्या हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा। एकदम दिमाग में रखना, 20 दिन पहले बनके तैयार नहीं, 20 दिन पहले 15 दिन पहले बनके प्रूफ रीड होके और क्या हो जाएगा, प्रिंट होके तैयार हो जाएगा। तो प्रूफ रीड होके है ना, प्रूफ रीड की बात करें और बनने की बात करें तो वो और पहले जाएगा। हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर 1 अगस्त को पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है तो उसके क्वेश्चन बनना शुरू हो गए होंगे 20 जुलाई के पहले पहले ही। यानी कि मिस का सीधा संबंध यह है कि अगर आपका 20 जुलाई से 25 जुलाई को पेपर बन गया, अब आप थोड़ा सा सोचिए, पेपर बन गया तो दोबारा ऑफलाइन पेपर में प्रिंट होना है, तो कोई वहां पे ऑनलाइन चीजें तो है नहीं कि वहां पे चेंज कर देंगे, क्वेश्चन बदल देंगे, नहीं, जो पेपर में छप गया वही आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यह समझना है कि आपकी करंट कहां से आएगी, आपकी करंट 20 जुलाई के पहले की आएगी। 20 जुलाई के ऊपर का करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे अंत समय तक सबसे ज्यादा समय करंट पर बर्बाद करते हैं। और सोचो अगर आप 15 अगस्त को पेपर है और आप लास्ट के 15 जुलाई से 15 अगस्त की खबर पढ़ रहे हो और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ा पाप मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी गलती, इससे बड़ी चूक, इससे बड़ी भूल कुछ भी नहीं हो सकती। ये बात आपको यहां पे समझते हुए चलना है। तो जो आपका करंट आएगा 20 जुलाई, बहुत ज्यादा ले सकते हो 25 जुलाई, और उसके बाद से हम नीचे आएंगे, जून की बात करेंगे, उससे नीचे आएंगे हम मई की बात करेंगे, उससे नीचे आएंगे हम अप्रैल की बात करेंगे। इतना आपको पढ़ना है। अब समझना, 20 अप्रैल से 20 मई एक महीना, 20 मई से 20 जून दो महीना, 20 जून से 20 जुलाई
3 महीना, यानी कि आपको 20 जुलाई के बिफोर 3 मंथ की करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं ये बातें क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको बातें हवा हवाई ना लगे, ताकि आपको ये मैच्योरिटी आपके दिमाग में बैठे, आप उस चीज को फील कर पाओ, रियलाइज कर पाओ, महसूस कर पाओ कि हाँ जो सर जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और यही हर बार होता है। इस 3 महीने का मतलब यह हुआ कि यहां की एक भी खबर मेरे भाई छूटनी नहीं चाहिए, एकदम नहीं छूटनी चाहिए। अभी यहाँ पे बच्चा परेशान होता है कि ठीक है 3 महीना सर आप बता दिए, 3 महीना तो मैं बोल रहा हूं इसकी कोई खबर छूटनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको सरसरी निगाह से थोड़ा थोड़ा आपको उसके पहले का एक मंथ यानी कि मार्च वाले मंथ को भी अच्छे से पढ़ लेना है, और उससे भी थोड़ा कम हल्का वेटेज देके फरवरी वाले को पढ़ लेना है। लेकिन फरवरी मार्च को आप 1-2 बार पढ़ो चल जाएगा, 3 बार पढ़ो चल जाएगा। ये जो 3 महीने की बात कर रहा हूं, इसे कम से कम आपको 10 टाइम पढ़ना है। कितनी बार? 10 गुना पढ़ना है। ये 10 गुना मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि यही आपका करंट अफेयर्स, ऐसे प्रश्न होते हैं जब लगता है कि सब मुझे आता है, ये विकल्प भी सही है, ये विकल्प भी सही है, और अंततः आप क्या करते हो, गलत विकल्पों का चुनाव कर लेते हो, और आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो मैं बोलूंगा कि करंट आप क्रॉनिकल की पतली वाली ले लो, मंथली वाली। कितने महीने के लेनी है? 3 महीने के लेनी है। कौन कौन सी के लेनी है? जुलाई, जून, मई, अप्रैल, इतने के ले लो बस। और जुलाई वाली मैगजीन लेके आओ, लेकिन 20 जुलाई के बाद की खबर बहुत विशेष मत पढ़ो, उससे पहले वाली खबर आपको एक एक रटी होनी चाहिए, ये आप की सही रणनीति करंट के लिए होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये 10 क्वेश्चन ही आपको डिसाइड कर देगा बाकी में कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, आपका मेरिट में नाम आना है कि नहीं आना है। वो बातें भी चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो 10 गुना पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, उसी मैगजीन को पढ़ना है। आपको घटनाचक्र पसंद आती है, घटनाचक्र ले आओ। आपको घटनासार पसंद आती है, घटनासार ले आओ। आपको क्रॉनिकल पसंद आती है, क्रॉनिकल ले आओ, जिससे आप लोग सेटिस्फाई हो उससे ले आओ। दूसरी बात आते हैं जनरल अवेयरनेस की बात आते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैंने बताया ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का फूफा मामा चाचा होता है, उसका रिश्तेदार होता है। ऐसी खबरें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके करंट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन उसका संबंध दूर के किसी कन्वेंशनल सब्जेक्ट से होता है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तैयार कहां से करें? आपको नेट पे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, कोई तैयार करके नहीं देता, जल्दी नहीं मिलेगा, किताबें इसके लिए अलग से नहीं आती हैं, आपको इसे खुद रिसर्च करना होगा। और आपका समय बचाने के लिए इसीलिए मैं डेली रात के 9 बजे करंट स्टैटिक लेके आता हूं और उसकी पीडीएफ देता हूं। अगर आप केवल उतना सब कवर कर लोगे, जो बच्चे कोर्स से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि एग्जैक्टली जो ये पोर्शन है कितना कष्टदायी है और कितना आसानी से टीम परीक्षा प्लस आपकी कवर करा रही है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, टीम परीक्षा प्लस वैसे ही इतना न्यूनतम फीस में आपको चीजें उपलब्ध कराती है। 499 में फुल कोर्स दे रही है, जिसमें आपको सारे वीडियो क्लासेस मिल रहे हैं, सारे के सारे आपको नोट्स मिल रहे हैं, सारे के सारे आपको 10 टेस्ट इतने क्वालिटेटिव और 40 सेक्शनल प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, मतलब 50 टेस्ट पूरे नोट्स पूरी क्लासेस आपको केवल 499 में दी जा रही है, सबसे न्यूनतम। आप मैं फिर से बोलूंगा, किसी का भी जाइए, फीस स्ट्रक्चर पूछाइए और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेंट और कंटेंट की क्वालिटी और परीक्षा प्लस से मैच करा लीजिए। और अगर नहीं कुछ कर पा रहे भैया तो ₹149 में, इससे सस्ता तो मेरे ख्याल से आज आप रुमाल भी खरीदने जाओगे ना तो ₹50 की रुमाल आती है। ₹149 में 10 टेस्ट हो भी, इतनी ज्यादा टीम की मेहनत, आप उससे कवर करो, उससे ही आपका ये मैक्सिमम सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो ये सेक्शन में आपको संभल के रहना है। और ये सेक्शन ऐसा है, अभी मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, है ना, यहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। ये सेक्शन ऐसा है मेरे भाई, जहां पे आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप कम से कम 20 में से कितने नंबर ला सकते हो, 15 से 17 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इस 10 में 10 के 10 सही कर सकते हो। और इस जनरल अवेयरनेस में क्योंकि ये फूफा मामा चाचा है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि सब चीज आप कवर ही कर ले जाओ, तो यहां पे आप फिर भी 7 से 8 प्रश्न आराम से कर लोगे। मिनिमम 15 हो जाएगा, मैक्सिमम 17 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन सभी से गलत होते हैं, कोई इतना तुरंत खा नहीं होता है, किस्मत अच्छी होगी तभी 20 में 20 कर पाओगे, इसमें अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है और ना ही बुरा मानने वाली बात है। कोई भी 20 में 20 नहीं कर पाएगा, वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी इतना यहाँ पे प्रखंड विद्वान आ जाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत वेस्ट टॉपिक है, कोई नहीं कर पाएगा। यहां पे आपको समझ में आ गया 15 से 17 करना है। ये ऐसी टॉपिक थी, ज्यादा मैं समय लिया क्योंकि कंफ्यूजिंग था, मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये कन्वेंशनल आपकी जीएस है, ये तो आप जो पढ़ते आ रहे थे पढ़ते आए हो। हाँ, मैं इतना बोलूंगा कि जो आपका सिलेबस दे दिया भैया, अंतिम 45 दिन में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लूसेंट उठा लो, आप कोई और किताब उठा लो, पता लगे आप और भी स्टैंडर्ड किताबें उठा लो, और जब नहीं समय है, आप अगर ऐसे भटकोगे ना तो अपने साथ क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, गलत कर रहे हो, नहीं होगा।
केवल आपको सिलेबस पकड़ना है, सिलेबस की टॉपिक पकड़ना है, और इतने कम समय में जो भी पेपर बनाएगा उसका दिमाग इतना नहीं चलेगा मैं क्वेश्चन कहां से डाल दूं। वो क्या करेगा, वो आयोग द्वारा जारी किया गया सिलेबस उठाएगा, पॉइंट से सीधा क्वेश्चन बनाएगा, दैट्स इट। और जो इस चीज को समझ जाएगा उस वो 30 में 300 सही कर सकता है, याद रखना 30 में 300 यहां पे सही कर सकता है, अगर कोई बात ये समझ में आ गया तो। 30 में 30 इतना मैं बोलूंगा कि ये आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, अगर आप सही रणनीति से पढ़ते हो, सिलेबस से लगे हुए पढ़ते हो, उन्हीं टॉपिक को पढ़ते हो, गहराई से पढ़ते हो, बाकी टॉपिक को छोड़ के चलते हो, तो ये 30 में 30 आप आराम से कर लोगे। चौथा सेक्शन अभी हम बात करें, अब दो सेक्शन आते हैं। देखिएगा, हमने दो सेक्शन कवर कर लिए, दो सेक्शन कौन कौन से कवर कर लिए, एक आपका जीएस पारंपरिक हो गया, एक आपका करंट और जीओ का, और दोनों जीएस ही है, कहीं ना कहीं दोनों को मिला लिया जाए तो मैक्सिमम आपका 47 क्वेश्चन हो जा रहा है और मिनिमम आपका 45 क्वेश्चन हो जा रहा है, 45 से 47 क्वेश्चन आपको यहां पर करना पड़ेगा ही। बाकी जो दो पोर्शन है वो क्या है, आपके लिए बून है। कुछ बच्चों के लिए दोनों पोर्शन क्या है, एकदम आसान है, कुछ बच्चों के लिए ये तो आसान ही है, इसमें क्या है, टफ है। आते हैं हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करेंगे, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश के 5 प्रश्न की और हिंदी पैसेज की बात करेंगे। पैसेज में पढ़ने वाला कुछ नहीं होता, हिंदी आपकी मातृभाषा है, जब से पैदा हुए हो तब से हिंदी सुने हो, जब से पैदा हुए हो तब से हिंदी पढ़े हो, तो अगर आपको पास कोई पैसेज दे दिया जाए उससे आप कंप्रेहेंड ना कर पाओ तो एकदम गलत कहना होगा। ये आपका 10 क्वेश्चन जो है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन है, इस पे समय व्यर्थ करना मतलब कि आपकी मूर्खता है। ये 10 क्वेश्चन आपका फ्री क्वेश्चन है, आप केवल टेस्ट सीरीज जो दी जा रही है उसे प्रैक्टिस कर लो, 40 सेक्शन दिया जा रहे हैं उसे प्रैक्टिस कर लो, मतलब 50 टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, टीम के द्वारा जो दिया गया कंटेंट है उसे प्रैक्टिस कर लो, उससे ज्यादा आपको जरूरत है ही नहीं है, बस इतना आप करके चले जाओ। दूसरी बात आती है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर में भी ग्रामर के नाम पे 2-3 टॉपिक है, केवल संधि हो गया है ना आपके, ये सब जो टॉपिक है ये केवल आपके ग्रामर के नाम पे है, बाकी तो वोकैबुलरी होती है, विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ, ये सब वोकैबुलरी ही है, तो आप वहां पे थोड़ा सा समय दो, लेकिन इतना टफ नहीं है, वो कॉमन सी चीजें ही पूछता है, और आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अधीनस्थ के हिंदी का लेवल कितना होता है, और इस 5 में 5 के 5 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। बात आती है इंग्लिश के, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन में अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि इंग्लिश में एक तो ग्रामर भी लिख दिया, एक भी पैसेज भी लिख दिया। अब बहुत सारी मैं टीमों को देखता हूं कि वो पेपर भी करा रहे हैं तो केवल ग्रामर ग्रामर रख रहे हैं, बहुत सारी टीमें हैं केवल पैसेज पैसेज रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं कि एक जो प्रायिकता है कि क्या करेगा, 3 क्वेश्चन आपका पैसे से पूछ लेगा, 2 आपका ग्रामर से पूछ लेगा, ग्रामर भी पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, ग्रामर में पूछेगा तो बहुत ज्यादा आपके जो नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वर्ब ये है, प्रीपोजिशन कंजक्शन, यहां से प्रश्न पूछ लेगा, वो वोकैबुलरी वेज भी पूछने नहीं जाएगा क्योंकि वो उसके पास पैसेज है, पैसेज से वोकैबुलरी पूछ सकता है। तो 3 प्रश्न पैसेज के, 2 प्रश्न उसमें, इसमें ऐसे बच्चे जो वनडे वाले बच्चे होंगे, जो साइंस जो सॉरी एसएससी और बैंक बैकग्राउंड से जुड़े होंगे उनके लिए बेहद आसान है, लेकिन ऐसे बच्चे जो सिविल सेवा क्षेत्र वाले बच्चे हैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ने में ही नहीं समझ में आती, हिंदी माध्यम वाले में वैसे नहीं डर बना होता है, ये 5 नंबर उनके लिए मेरे ख्याल से एकदम गलत है। तो 45 दिन में इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है, इसे आप एकदम इग्नोर करके चलो, आपको आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो छूने की जरूरत नहीं है, आप केवल टीम के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, जहां पे ग्रामर का 100 गोल्डन रूल्स है उसे आप केवल पढ़ लीजिए, या फिर जो टेस्ट सीरीज में आप देखोगे उसकी व्याख्या को कितनी जबरदस्त तरीके से, वहीं पे आपके मेन मेन सारे कॉन्सेप्ट को दे दिया जाता है, आप केवल वो 10 के 10 टेस्ट की व्याख्या पढ़ के चले जाइएगा, 5 के 5 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर वनडे वाले बच्चे हैं तो इस सेक्शन में 20 में से कम नहीं, तो अगर चर्चा करें वनडे वाले सेक्शन वाले बच्चे 20 में से कम 18 सही कर सकते हैं और सही करना चाहिए, और अगर वैसे बच्चे हैं तो 14 क्वेश्चन उनके भी सही होने चाहिए जो सिविल सेवा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फिर उनका हिंदी पैसेज और हिंदी ग्रामर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं मान लेता हूं एक क्वेश्चन गलत कर दिया और अंग्रेजी वो छू भी नहीं पाए, तो भी आपका 14 से 15 क्वेश्चन इनको यहां पे करना ही करना चाहिए और कर ले जाएंगे बहुत आराम से, तो वो फ्री का नंबर है, वो फ्री के क्वेश्चन है। और अगर आप इस चीज को यहां पे देखो तो 45 से 47 क्वेश्चन यहां पे थे और इसको जोड़ दो तो एक नया जो रेंज बन के आएगा, अगर 45 में 18 जोड़ दो तो आपका 55 और 8 63 63 क्वेश्चन मिनिमम का पहुंच गए, और अगर मैक्सिमम का रख लो तो 7 5 12 4 1 5 1 6 है ना, हाँ 62 क्वेश्चन लगभग आपका यहां पे। अभी ये जो रेंज हुई अगर देखा जाए तो दोनों को जोड़ोगे तो 62-63 का रेंज आप यहीं से कवर कर सकते हो, कितना 62-63 का रेंज आप यहां पे समझते हुए चलना,
क्लियर हो रही बात। अब अगर 62-63 यहां पे हो गया तो आपके पास एक पोर्शन बचा हुआ है जिसमें क्या है 30। अब यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हैं, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं आपका एसएससी बैंक के बैकग्राउंड का। तो एसएससी बैंक वालों के लिए भैया बता दूं कि आपका ये 30 का 30 फ्री का नंबर है। और यकीन मानो पीएटी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, जो सिविल सेवा क्षेत्र के बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हें इस बात को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन वाकई में टफ है। और यहाँ पे आपकी क्या टाइम भी मांगता है, यहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी मांगता है, आपका पेशेंस भी मांगता है, धैर्य कितना है आपके अंदर, आपकी नॉलेज भी चेक करता है, आपके पास प्रैक्टिस भी होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को यहाँ पे घिसे हो गए तभी ये सेक्शन कर पाओगे, जो बैंक एसएससी वाले बच्चों के लिए मैं तो इस 30 में सीधा 25 बोलूंगा कि उन्हें करना ही करना चाहिए। और अगर इतना कर लिए तो बैंक एसएससी वाले बच्चे याद रखो, बैंक एसएससी इंडस्ट्री मतलब नहीं कि बैंक एसएससी की तैयारी कर लो, कभी आपने एसएससी की सोचा होगा, एसएससी नहीं कर पाए, अंग्रेजी की वजह से वीक था, तो आपने अधीनस्थ में अपना रुख बदल लिया कि चलो यहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, मैथ तो मेरी स्ट्रांग है ही है, रीजनिंग स्ट्रांग है ही है, तो मैं आराम से अधीनस्थ की परीक्षाएं निकाल सकता हूँ, ऐसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इसे सीधा जोड़ दिया जाए भैया तो 87-88 प्रश्न यहीं से आपके हो गए। और अगर 87-88 हो गए तो मेरिट में आप टॉप पे आओगे, ये बात भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा जो छोड़ दे रहा हूं मैं, उन बच्चों को छोड़ दे रहा हूं जो किस सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, सिविल सेवा क्षेत्र वालों के लिए, तो भैया वहां पे मैं एक बात के लिए चर्चा करूंगा आपको कि आप चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी अगर आपने इसका फॉर्म भरा है और आप चाहते हो कि इस कार्यकाल में यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे अगर आपको चीजें नौकरी मिल जाए, यहाँ पे चीजें आपके अकॉर्डिंग हो जाएं, तो आपके पास केवल और केवल एक विकल्प है, वो क्या है, मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्त। मैथ से मुझे पता है कि मैथ्स आपके लिए यहाँ पे डर है, सबके लिए नहीं होती है, कुछ मात्र 2-3% के लिए होती है, जिनको बहुत ज्यादा डर नहीं है, एवरेज है, वो कर सकते हैं। करना क्या है, मैं अभी टाइम टेबल इसके बाद तुरंत चर्चा करूंगा, ज्यादा समय नहीं ले जाऊंगा, हाँ 5 मिनट और लेके जाऊंगा। तो मैं मैथ्स आपको क्या करना है, ग्राफ एंड टेबल, इसमें एक पोर्शन है आपका ग्राफ और टेबल का, इसके लिए केवल 2 चैप्टर है, एक आपको परसेंटेज स्ट्रांग करना है और एक आपको रेशियो स्ट्रांग करना है। और ये 2 चैप्टर स्ट्रांग हो गया तो यही 2 चैप्टर इसके भी सिलेबस में है, इसके सिलेबस में 2 चैप्टर ये है, 2 और मिला लो, नंबर सिस्टम मिला लो और कौन सा मिला लो, एवरेज मिला लो, तो मैथ में 5 के 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो ये 2 चैप्टर आप पढ़ोगे और ये भी पढ़ोगे तो मतलब 25 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, जिसे आपको करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। और करना कहां से आपको नहीं समझ में आता तो मैं खुद ही मैथ्स पढ़ाया हूं, आशीष सर खुद ही रीजनिंग पढ़ाए, इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाए, आप केवल उन क्लासेस को अच्छे से देख लो, यकीन मानो कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन से, इस बात की भी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो 25 क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो सकता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करना क्या है, लास्ट टाइम में अभी जब टाइम टेबल की चर्चा करेंगे तो करेंगे, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है, पहले आप इन दोनों का कॉन्सेप्ट मजबूत कर लो और फिर आप उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जो आपके लिए डिफरेंस क्रिएट करेगा, इट डज क्रिएट डिफरेंसेस, और अगर ये डिफरेंस क्रिएट करेगा तो आपको कहीं ना कहीं, सपोज करो 30 में अगर आप केवल 10 और 12 के लिए नंबर के लिए सोच रहे हो तो आप एक बार इधर नजर डाल लो, क्या कुछ बच रहा है क्या, कि इधर से आप नंबर इनहेंस कर लोगे, नहीं बच रहा है। और अगर इधर आप 20 से 25 क्वेश्चन लूज करोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन यहां पे कम कर देंगे, आप कहां पे रह जाओगे, आप 65 से 70 क्वेश्चन पे रह जाओगे, और 65 से 70 क्वेश्चन में आप मेरिट सूची में नहीं आ पाओगे। ये बात भी है, बात खरी है, हो सकता है आपको अगेंस्ट लगे कि हाँ सर जी तो मेरे मुझे डिमोराइज कर रहे हैं, मैं डिमोराइज नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि यही होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिमोराइज के हाथ में बैठ जाओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, 45 दिन भी बहुत ज्यादा समय होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक सही रणनीति होनी चाहिए। और अंत में जो अब मैं डिस्कस करूंगा वो एक टाइम टेबल का डिस्कस करूंगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक 45 दिनों की क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। तो अभी हम समझते हैं, ये जो मैं टाइम टेबल डिस्कस कर रहा हूं ये आपके अलग अलग बच्चों की अलग अलग रणनीति भी हो सकती है। इतना मैं बोलूंगा कि भैया आपका जो हिंदी विषय है, हिंदी वाला विषय हुआ, हिंदी पैसेज वाला विषय हुआ, और इसी में क्या हुआ, अंग्रेजी वाला विषय हुआ, ये जो आपका है इसमें आपको 2 दिन से ज्यादा समय नहीं लगाना है। 45 दिन है, हम डे वाइज डिसाइड करेंगे कि अगर आप इतना हैसियत रखते हो कि 2 दिन में इस पूरे को कवर करना, आप कवर करना कैसे, आपको ये छूना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ना है, आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे, आप केवल वहां पे आपका दिमाग अच्छा चल रहा होगा, अंग्रेजी के पोर्शन में बात कर रहा हूं,
थोड़ा सा भी अंग्रेजी से अगर आप भागते नहीं होंगे, बस उसे चुनौतियों को लेने की सक्षम होंगे, तो अगर आप इसे 5 क्वेश्चन पढ़ोगे और करने का प्रयास करोगे पैसेज आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आप मिनिमम करके आओगे, 5 के 5 करोगे, 3 गलत होगा, 2 सही होगा, तब भी आप पॉजिटिव में ही नंबर आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, उसका भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 0.25 है। जब 2 दिन में अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं है, पैसेज पढ़ना नहीं है, तो बचा केवल हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण में आप कितना समय ले लोगे? 2 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ, ये ड्यूरेशन डिपेंड करता है आप दिन में कितना घंटे पढ़ रहे हो। मैं बोलूंगा कि भैया सारी चीजें भूल जाओ, सारी रिश्तेदारी भूल जाओ, सारी मस्ती भूल जाओ, 45 दिन आपके जीवन को यहां पर निर्धारित करने वाला समय है, आप कम से कम 10 घंटा पढ़ने की हैबिट डालो, और 10 घंटा यानी 20 घंटे में आप इसे कवर कर सकते हो। अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपको क्या पढ़ना है, वो आपको करंट पढ़ना है, करंट प्लस जनरल अवेयरनेस। अभी आप बोलोगे अरे सर आप ये क्या बोल रहे हो कि करंट अभी पढ़ूं, सब तो बोलते हैं कि करंट को लास्ट में पढ़ूं, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, यही तो रणनीति है, यही तो मैच्योरिटी आपकी, करंट अभी पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको डिसाइड हो गया कि 20 जुलाई का पहले पहले, आज तारीख कितनी है जिस समय मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख है 4 जुलाई, और आपका पेपर कब बन जाएगा? 20 जुलाई से पहले पहले, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं आएगा करंट, तो 10 ही 12 दिन बचेंगे ना। और आप जब आज से पढ़ना शुरू करोगे 2 दिन बाद, तो 6 जुलाई हो जाएगा, और जब 5 दिन, मैं बोल रहा हूं कि इसे कम से कम 5 दिन में कवर कर लो, कितने में? 5 दिन बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस को 5 दिन का समय है, और अगर आप 6 से 5 करोगे तो 11 जुलाई पे पहुंच जाओगे, और 11 जुलाई के बाद 10 ही दिन एक्स्ट्रा बच रहा है करंट के लिए, बाकी नहीं बच रहा है। तो आप अभी से क्या पढ़ोगे? मार्च की खबर पढ़ोगे, मार्च के बाद मार्च का कवर करोगे, मार्च के बाद आप अप्रैल मई जून को कवर करते चलोगे। 1 दिन में 1 मंथ का टारगेट रखो, और उससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पढ़ो, और जनरल अवेयरनेस जो टीम में नोट्स दिए गए हैं उसे बार बार पढ़ो, मिनिमम ये दोनों चीजें आप 10 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 10 बार। कई बार बच्चे होंगे ये सारा पढ़ जाएंगे, क्या होता है 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ने में 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, 5 दिन बहुत होता है। आप अगर 4 महीने का करंट पढ़ोगे ना, तो मुश्किल से 20 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लोगे 2 दिन में पूरा करंट खत्म कर लोगे। अभी भी आपके पास 3 दिन है, तो आप उसे रिवाइज करो, जो पढ़ के आए हो उसे दोबारा फिर पढ़ो, जो 20 घंटे आपको पढ़ने में लगे ना उसे दोबारा रिवाइज करोगे तो इस बार 10 ही घंटा लगेगा, तिबारा रिवाइज करोगे तो 5 ही घंटा लगेगा, फिर रिवाइज करोगे तो 2 ही घंटा लगेगा, फिर रिवाइज करोगे तो फिर 1 ही घंटा लगेगा, और फिर जब आप रिवाइज करोगे तो आधे घंटे में आप 3-3, 4-4 मंथ का रिवाइज कर लोगे, और इतने मल्टीपल टाइम्स अगर आप कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका जाना नहीं है। एक चीज को 10 बार पढ़ो, 10 चीजें मत पढ़ो, यही आपके सफलता का मूल मंत्र है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो 5 दिन आपको पढ़ना है, 2 दिन इधर हो गया, 5 दिन इधर हो गया, यहां तक आपके 7 दिन कवर हो गए, मतलब कि आपका अगला सप्ताह कवर हो गया। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं दूसरे सेक्शन का, तो यहां पे अभी मैं बात करूंगा कि आप जीएस वाले सेक्शन को कवर करो, मैथ्स वाले सेक्शन को बाद में कवर करना है। इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं कि इंसान के जीवन में 2 चीजें होती हैं, जितना वो अंदर से पॉजिटिव रहेगा, जितना ही वो कूल रहेगा, जितना ही उसका दिमाग संतुलित रहेगा, उतना ही उसके गेन पावर बढ़ी रहेगी। क्या रहेगी? गेन पावर उसकी उतनी ही बढ़ी रहेगी। आप परेशान रहोगे, आप हेक्टिक रहोगे, अरे मेरा ये छूटा जा रहा है, अरे मेरा ये भी नहीं हो पा रहा है, ये भी पोषण बचा है, ये भी पोषण बचा है, क्या करूं क्या करूं, नहीं होना। आपके पास समय भी होगा तब भी आप नहीं कर पाओगे। याद करो परीक्षा का वो अंतिम समय, जब आपके पास 2 से 3 मिनट होते हैं, और 2-3 मिनट में जब आप टाइमर देख लेते हो कि यार मेरे पास 2 ही 3 मिनट बचा है, घंटा बच जाता है, तो यकीन मानो 2-3 मिनट में आप एक भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हो। ये कहलाता है दिमाग का टेम्परामेंट। जबकि उसी 2-3 मिनट को अगर बीच के किसी 2-3 मिनट में देखा जाए, तो हो सकता है जीएस के आप 10 क्वेश्चन 2 मिनट में कर जाओ, हिंदी के आप 12 क्वेश्चन 2 मिनट में कर जाओ, लेकिन अंत समय में एक भी क्वेश्चन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परामेंट बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि आप पैनिक होते हो, क्योंकि आप घबराए हुए होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक साइड में चल रहा होता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यू आर क्वेश्चनिंग विद योरसेल्फ, आप खुद से क्वेश्चन करते रहते हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज को निकालने के लिए ये ऐसे विषय मैं आपको बोल रहा हूं पहले पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पहली बात तो क्या है, इजी है, दूसरी बात लेस टाइम टेकिंग है, आपका टाइम नहीं ले जाएंगी, तीसरी बात अगर आप इन दोनों को कवर कर लिए तो 20-20-40 क्वेश्चन, यानी 7 दिन में आप कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हो? 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हो, और आपके पास 45 में से 7 अगर निकाल दिया जाए तो अभी भी कितने दिन बच रहे हैं? 38 दिन बच रहे हैं। सोचो, आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करो, 7 दिन में 40 क्वेश्चन और अगले 38 दिन में कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन को आपकी रणनीति चाहिए, तो हम लोग इसे आप चर्चा करते हैं, जिसमें आपको इस 38 दिन में कम से कम नहीं तो कितने दिन, 18 दिन जीएस को देने हैं। कितने? 18 दिन। बोलोगे सर 18 दिन कैसे? आइए समझाता हूं 18 दिन कैसे। हिस्ट्री की बात करें तो भैया हिस्ट्री में आपके 10 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, कम मैक्सिमम 6 दिन में इसे पढ़ना है।
6 दिन में पूरी हिस्ट्री, 6 दिन बहुत होती है, कम से कम 2-3 बार पढ़ लोगे, जितना आपके टॉपिक में डिसाइडेड है, मैं सही बता रहा हूँ। आप अगर रियलाइज नहीं कर रहे हो, आज से ही पढ़ने बैठ जाना और जो टॉपिक दिया है उसे पढ़ने लग जाना, सारी दुनियादारी छोड़ के पूरी एकाग्रता के साथ 6 दिन में हिस्ट्री इतने कम से कम 3 से 4 बार पढ़ोगे, यकीन मानो। 6 दिन आपको हिस्ट्री में देना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन आपको पॉलिटी में देना है, 2 से 3 दिन ही आपको कितने में देना है, ज्योग्राफी में देना है, 2 दिन केवल आपको इकोनॉमिक्स में देना है, और कम से कम 5 दिन आपको साइंस में देना है। साइंस में ज्यादा समय क्यों? क्योंकि इसमें 3 पोर्शन है, और दूसरी बात क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबस डिपिक्ट नहीं किया है कि किस किस टॉपिक से पूछेगा, आपको ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पूरा अब विज्ञान उठा लिए तो अभी हमें क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना, ये भी पढ़ रहे हैं, एनिमिलिया किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट का किंगडम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सारे अमीबा पैरामीशियम सारी चीजें अच्छे से देखते जा रहे हैं, हम सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते चले जा रहे हैं। सब कुछ नहीं करना है, वो पोर्शन पढ़ना है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कहां से बनते हैं मैं आपको बता दूं, प्रश्न बनते हैं आपके डिजीजेस से, जो बीमारियां हैं वहां से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न बनेंगे आपका कहां से, न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन से प्रश्न बनेंगे आपका कहां से बनेंगे, प्लांट में जाओगे तो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन से बनेंगे, इससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो सेल स्ट्रक्चर और टिश्यू से बनेंगे। बस अगर इतना पोषण कर लिए, 5 में अगर 3 भी आपका बायो पूछ लिया या 5 में 2 भी पूछ लिया तो आपका इतने में ही कवर हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, पता लगे आप लूसेंट उठा लिए उसमें जो भी लिखा है पढ़ते चले जा रहे हो, अरे भाई आप अपने साथ गलत कर रहे हो, फिर नहीं होना है। फिर अगर आप एक शब्द है इमोशनली अटैचमेंट, अगर आप इमोशनली अटैच हुए टॉपिक से तो आप गलत हो जाओगे। किसी से भी ज्यादा इमोशन आपको क्या करता है, परेशान करता है और कुछ नहीं करता है। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ये भी पढ़ ले तो नहीं होना है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड बेस साल्ट है ना, जहां पे लवण क्षार और ये जो आपका होता है अम्ल जो होता है, यहां से आप केवल पढ़ लो। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ना है तो कार्बन कंपाउंड पढ़ लो, उससे भी ज्यादा थोड़ा और पढ़ना है तो फिर आप क्या पढ़ लो, मॉलिक्यूल्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लो, इससे ज्यादा आपका केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा। बाकी जो कॉमन नेम वगैरह होते हैं वहां से पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, वाशिंग सोडा किसे कहते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, बस केमिस्ट्री मतलब इतना है। पीरियोडिक टेबल आपको नहीं रटने जानी है, आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है कि वहां पे एटम एटम का स्ट्रक्चर, वहां पे हीगन अनसर्टेंट, वहां पे पढ़े हम लोग, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब बहुत डीप हो जाएगा। वो तो बोल दिया कि बारहवीं, तो बारहवीं ग्यारहवीं में तो आप सब पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, आप फिर वहां पे बोर कॉन्सेप्ट नील कॉन्सेप्ट सब पढ़ते चले जाओ, पूरे आप सारा बर्बाद कर दो, नहीं, आप वो टॉपिक पढ़ो ना जहां से हर बार पूछता है, छोड़ दो, रिस्क ले लो, मैं बोल रहा हूं मेरे नाम पे रिस्क ले लो कि होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। अरे इतना पढ़ के तो देखो, पहले जो मैं 7 दिन में कवर करने की बात कर रहा हूं, कवर करके तो देखो, एक भी क्वेश्चन आपका किसी टेस्ट सीरीज का नहीं लगेगा, फिर मेरे पास आना, ठीक है ना। अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फिजिक्स में क्या करोगे, मोशन पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ोगे, आंखों के बारे में पढ़ोगे, TIR के बारे में पढ़ोगे, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स में भी, पता लगे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने चले गए, पता लगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, पता लगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बस हो गया उसी में काम, इंजीनियरिंग सारी आपकी वही धरी की धरी रह जाएगी। केवल आपको मोशन, न्यूटन के 3 लॉ है ना, यूनिट मेजरमेंट और ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव वगैरह कुछ नहीं छूना है, ये आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपको फिल्टर होनी चाहिए। और यही नहीं, आपको ज्यादा डिटेल तो एक ही मुश्किल से 20-25 मिनट का सेशन मुझे क्रिएट करना है, वैसे भी ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा सब कुछ तो बता नहीं सकता। आप नीचे दिए हुए नंबर पे कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा, या सीधा कोर्स में जुड़ सकते हो आप, वहां पे हम लोग हर शनिवार को, सॉरी हर रविवार को जूम मीटिंग करते हैं, तो वहां पे हम लोग स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इतना आप यहां पे समझो, तो 5 दिन इसलिए लिया क्योंकि आपको यहां पे पढ़ना चाहिए। टोटल अगर जोड़ा जाए तो कितना हो गया, टोटल जोड़ा जाए तो 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17, एग्जैक्टली मैंने 18 दिन जो बताया वो आपका 18 दिन यहां पे कवर करना है। तो जीएस कितने में कवर करना है, 18 में कवर करना है, और अगर ये 18 माइनस कर दो तो आपके पास अभी भी बच रहे हैं 20 दिन, जहां पे आपके पास पोर्शन बच रहा है मैथ्स, आपके पास ग्राफ टेबल और आपके पास रीजनिंग बच रहा है। लेकिन ये 20 के 20 दिन आपको यही पढ़ना है, नहीं, आपके लास्ट में 5 दिन रिवीजन का भी तो होना चाहिए, तो आपके पास इसके लिए कितना बच रहा है, 15 दिन बच रहा है, कितना, 15 दिन बच रहा है, और इस 15 दिन में मैथ्स और ग्राफ और रीजनिंग पढ़ना है। तो हम लोग इस पोर्शन पे आते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे।
ये है वो पोर्शन। और अगर इस पोर्शन की बात करें, आपको टॉपिक जो दिया हुआ है वो एक तो आपका क्या दिया हुआ है, नंबर सिस्टम दिया हुआ है, संख्या पद्धति, आपका एवरेज दिया हुआ है ना, उसी में घातांक कंडी सब कुछ नंबर सिस्टम में आ जाता है, आपका परसेंटेज दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, बस मेनली ये चार ही चैप्टर आपको कवर करने हैं। और जितनी क्लासेस में करवा दिया हूं करीबन, इस पे अगर आप वीडियो देखोगे तो 25 से 30 क्लासेस हैं, आप उसे पढ़ो, रिवाइज करो, बहुत अच्छे से करो। जो प्रैक्टिस सेट दिया हूं आप उतना ही प्रैक्टिस सेट कर लो, ये 5 के 5 आपकी झोली में आ जाएंगे और ज्यादा समय नहीं जाएगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 5 दिन में ये कवर हो जाएगा। किसी को बहुत वीक महसूस कर रहे हो तो 2 दिन और बढ़ा लो, 7 दिन में आप यहां से मैथ को अच्छे से कवर कर सकते हो। रीजनिंग का पोर्शन है, अधीनस्थ है, हमेशा टफ क्वेश्चन बनाता है, बनाएगा फिर से, बहुत पहले से चैलेंजिंग रहो। उसका सबसे खास सब्जेक्ट ये है, सबसे खास उसका टॉपिक है रीजनिंग। वो अपनी प्रतिभा कहाँ दिखाएगा, रीजनिंग में दिखाएगा और अच्छों अच्छों की हवा टाइट कर देगा। तो इसमें आपको ये क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, एग्जाम में भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ, लेकिन आपको फिर भी इसे कितने दिन में कवर करना है, 5 दिन में कवर करना है, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और साथ में क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है। 7, 5, 12 दिन हुए, आपके पास 3 दिन बच रहे हैं। ग्राफ एंड टेबल, अगर आप मैथ्स में परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज, प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, प्रतिशतता पढ़ लिए और आपने क्या पढ़ लिया, आप रेशियो, अनुपात और समानुपात पढ़ लिए, अगर ये दोनों चीजें पढ़ लिए तो आपके ग्राफ एंड टेबल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भैया आप डेली बेसिस पे आप अपने लिए कम से कम 1 घंटे से लेकर 2 घंटे, उनके लिए जो इसमें क्या कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड ये नहीं है, जितना आपसे क्वेश्चन हो पाता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। कहां से सॉल्व करना है, परीक्षा प्लस के टेस्ट सीरीज से सॉल्व करना है, कहां से सॉल्व करना है, परीक्षा प्लस के आपके नोट्स जो प्रैक्टिस सेट है वहां से सॉल्व करना है। इसके अलावा भी आपके पास समय बचता है तो ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी किताबें आती हैं, उसे आप ले लो, वहां से आप सॉल्व करते चले जाओ। लेकिन ये लगातार कब से, ध्यान देना, कब से, अभी से नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूं ना, इस 2 दिन में नहीं छूना है, इस 7 दिन में नहीं छूना है, जब आप जीएस पढ़ रहे हो ना तब से आप बीच में कभी शुरुआत कर दो, खासकर जब आप मैथ में आओ, वहां पे 7 दिन उधर 38, जब 20 दिन आपके पास लास्ट के 20 दिन बचे तब से स्टार्ट करना है। और लास्ट के 20 दिन में डेली यही काम करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी कि 40 घंटे की मेहनत मिनिमम आपकी इसमें होनी चाहिए। और अगर 40 घंटे की मेहनत यहां पे कर लिए तो आपके 100% आपके क्या हो जाएंगे, 100% क्वेश्चन यहां पे सही हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो कितना दिन करना है भाई, 5 दिन यहां पे, 12 दिन हो गया, कितने दिन में जाना है, केवल 3 दिन करना है पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमेशा चलते चलाना है। और लास्ट के जो 2 दिन है उसमें डेडिकेटेडली इसी को देना है, फिर वहां पे आप मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ोगे, केवल और केवल क्या पढ़ोगे, आप यहां पे डीआई पढ़ोगे। तो ये रहा आपका जो टाइम टेबल की चर्चा कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। इस वाले पोर्शन में है तो एक चर्चा मैं आपको और कर लूं, आपके पास भैया टोटल है 100 क्वेश्चन, थोड़ी मैच्योरिटी देखो, यहां पे प्रश्न आपके पास कितने हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, समय कितना होगा आपके पास, 120 मिनट होगा। अभी आप समझो कि अगर इस वाले पोर्शन से टोटल 30 क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई भी बच्चा कितना भी तेज होगा, क्योंकि ये अधीनस्थ है, रीजनिंग भी टाइम टेकिंग होगा, मैथ तो फिर भी थोड़ा आसान पूछ लेगा, लेकिन डीआई, ग्राफ और टेबल और रीजनिंग उसकी क्या हो जाएगी, प्रतिभा दिखाएगा। और 25 क्वेश्चन में मात्र आपके 60 मिनट चले जाने हैं, और ये बात मैं आज बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिस दिन पेपर दे के आओगे बेटा हिसाब ले लूंगा कि कितने समय में ये करके आए हो। 60 मिनट में आप केवल 25 क्वेश्चन कर पाओगे, 75 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास केवल और केवल 60 मिनट रहेगा, यानी अगर आप देख लो भैया तो कितना 5:4 का रेशियो रहेगा, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 0.75 मिनट रहेंगे, या बोल सकते हैं 45 सेकंड ऑन एवरेज, कितना 45 सेकंड केवल समय रहेगा एक क्वेश्चन करने के लिए, जहां पे अंग्रेजी का पैसेज भी पढ़ना है, हिंदी का पैसेज भी पढ़ना है, जीएस के कुछ टफ क्वेश्चन भी करने हैं, आपको करंट अफेयर्स की भी जांचना है, आपको जनरल अवेयरनेस भी करना है और साइंस भी देखना है, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो आज से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं लास्ट में इतना बोलूंगा, इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीम आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा कोर्स लेके चल रही है, आप अभी भी समय है, इस कोर्स से जुड़ते हो तो सारा जितना सिलेबस है मैक्सिमम 70-80% इसमें कवर है, कुछ नया आने वाला इसमें है नहीं, है ना, जो 25% बचा है उसी को हम लोग कवर करेंगे। केवल ₹499 प्राइस है, ₹999 को भी घटा के ₹499 में कर दिया गया है,
बहुत ही कम प्राइस होती है यकीनन। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो आप रिस्क मत लो। मैं बस इतना चाहता हूं कि परीक्षा प्लस से जुड़ा हुआ हर वो बच्चा जो अपना स्टूडेंट है, जो अपना परिवार है, उसके साथ कहीं गलत ना हो, वो कहीं ऐसा ना हो अपना पैसा भी व्यर्थ करे बेचारा और उसका नाम भी ना है। मुझे कष्ट होगा, मुझे व्यक्तिगत कष्ट होगा, हो जाएगा। उसमें सारी जो बुकलेट दी जा रही है वो आपकी यहाँ पे लगी हुई है। सारी बुकलेट अलग अलग एकदम आपके सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। बहुत अच्छा कंटेंट है, एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया गया है। ये जो पढ़ा होगा बच्चा वो खुद जान जाएगा। इतना आपको करना है कि दिमाग का जो मेंटल स्टेटस है वो आपको बहुत अच्छा बनाना है। ये आपका बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए कि हाँ मेरा हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और जैसा मैंने टाइम टेबल बताया है वैसा करिए। ध्यान रखिए टाइम टेबल आपका अपने अकॉर्डिंग भी हो सकता है, जो आपके में सबसे ज्यादा फिट हो आप उसे प्रयोग करिए। इन जनरल मैं ये बात कर रहा हूँ टाइम टेबल की। तीसरी बात, आपके पास कंटेंट जो होना चाहिए बहुत ही साउंड क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये आपको प्रयोग करना है। और उस कंटेंट की एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। पता लगा कोई अनुच्छेद दिया और अनुच्छेद का ही उसका उसमें सारे छेद गलत कर दिए, वहां पर पढ़ के कुछ गए और करके कुछ है, ये भी नहीं होना चाहिए। वो आपकी एक्यूरेसी भी उस कंटेंट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सबसे अंतिम पॉइंट भैया, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहां से? सबसे क्वालिटेटिव, सबसे क्वालिटेटिव किससे? टेस्ट सीरीज से। और मैं नहीं बोलूंगा कि आप परीक्षा प्लस का लो, लेकिन एक बार जरूर बोलूंगा कि परीक्षा प्लस का डेमो परीक्षा प्लस के ऐप पे है, उसकी पीडीएफ लगी है, ग्रुप पे पढ़िए, टेलीग्राम पे पढ़िए, वहां से जाइए निकालिए और वो पेपर लीजिए। और उसके बाद पूरे प्रदेश में जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं सबसे उनका पहला पेपर मांगिए, डेमो पेपर मांगिए और फिर टैली करिए, मैच करिए और उसके बाद आप किसी डिस्कस पे पहुंचिए। बोलते हैं किसी काम को शुरुआत करने से पहले अगर 10 घंटा उस पर रिसर्च कर लो तो वो 10 घंटा रिसर्च करना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि जो काम करने का समय हो वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आपके साथ टीम की सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं, पूरी मेहनत है, मैं दिन रात मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार हूं। आपको अपने लिए समय निकालना है, अपने लिए मेहनत निकालना है। सूची में नाम आ गया तुरंत ही वैकेंसी जा जाएंगी 30,000, 50,000, 70,000 और उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी और जिंदगी 360 डिग्री से बदल जानी है। तो अगर फिर भी कुछ भी रह जाता है दिमाग में संशय, तो नीचे नंबर चल रहे हैं यहाँ पे, मैं लिख भी दे रहा हूँ 9450006007 पे या फिर 9129769780 पे आप क्या कर लो, कॉल कर लो, आपको सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। परीक्षा प्लस ऐप है ना, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पे सारी चीजें पता चल जाएंगी, या फिर इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पता चल जाएंगी, जिसकी सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।